ना बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। स्कूल के लिए अभी बहुत टाइम है। हाँ? बस थोड़ा बस सा। माँ, पापा मेरे सॉक्स कहाँ रखे हैं? यहीं पर हैं। दे रहा हूँ अभी, इतनी जल्दबाजी किस बात की? लेट हुआ तो क्लास मिस हो जाएगी पापा। ये बेटा स्कूल गया कि नहीं? अभी तक तो नहीं गया। घर पे बेटा होते हुए भी मैं बगल वाले लड़के को देख के खुश होता हूँ। उस रवि को देखो, वो भी उसी दिन पैदा हुआ था जब तुम्हारा बेटा हुआ था। ओहो, बस भी कीजिए, गणेश में क्या कमी है? देखा, तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गया है वो। और वो रवि, वो बस पढ़ो 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 की रट लगाता है, जबकि तुम्हारा बेटा तो स्कूल का नाम लेते दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। अरे बस बस, कैसी बात करता है, वो बिल्कुल तेरे बाप जैसा है। इसी बात का तो दुख है, वो कौन से कैरेक्टर थे, उनकी क्वालिफिकेशन में भी तो झाड़ू लगी थी। इसकी तो मैं बेटा गणेश कहाँ है रे बेटा गणेश? हो, अरे कहाँ छुपा है भाई? क्यों बे स्कूल चोर, यहाँ छुपा बैठा है? चल स्कूल। बुखार है पापा, सच में बुखार है पापा। अच्छा बुखार है? अरे हाँ, तुझे तो सच में तेज बुखार है। प्याज रखने से बुखार आता है, करेला रखने से कॉलेरा आता है, और कैबेज रखने से कैंसर आता है। अपने बाप को उल्लू मत बना। अबे गधे, अगर तू स्कूल जाएगा ना तो भला तेरा ही होगा, मेरा नहीं। जब भी मैं तुझसे स्कूल जाने का नाम लेता हूँ तो तू इस कमरे में आके छिप जाता है। उस रवि से कुछ सीख, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। पापा, क्या वो सचिन तेंदुलकर है जो उसे देखकर मैं कुछ सीखूं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है उसे मेरी तुलना मत करना। मुझे स्कूल जाना है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बाप रे, ये तो सच में मेरा बाप निकला। कैसे हो मिश्रा जी? बस ठीक हूँ भाई साहब। बेटा गणेश, मेरा बेटा रवि स्कूल में हर चीज में फर्स्ट आता है, तुम क्यों नहीं आते हो? मैं भी आता हूँ, स्कूल छूटने के बाद सबसे पहले मैं ही घर आता हूँ। क्या फालतू की बात करता है तू, मेरे बेटे से सीखो, लाइफ बन जाएगी। मैं एक बार सुधर जाऊँ ना तो सारी दुनिया मेरे नक्शे कदम पर चलेगी। तू ना। फिर अंकल सोचो आपके बेटे को कोई घास भी नहीं डालेगा। ये बोलता तो गजब है। खेलने जाना है, सारे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। बगल वाला रवि भी आ रहा है क्या खेलने? वो बहुत बोर करता है माँ। देख बेटा, अच्छे लोगों की संगत में अच्छी आदतें सीखेगा और बुरे लोगों की संगत में बुरी आदतें। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा है और मन का भी अच्छा है। देख बेटा, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो पर रवि से दोस्ती जरूर करना, ठीक है ना? गणेश के साथ खेलने गया था क्या? हाँ पापा। सुन, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे, बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें सीखोगे, समझ गया? अच्छे लोगों से दोस्ती किया कर, आवारा लड़का है वो गणेश। पापा ने बिल्कुल सही कहा था, इसके साथ रहना ही बेकार है। बाजीराव का पूरा नाम क्या था, चलो बताओ। नहीं आता सर। नहीं आता? नहीं, नहीं मालूम? तो फिर ठीक है, प्रसाद खा। नहीं मालूम? तुम्हें पता है? पता है सर। ठीक है बैठ जाओ। तुम्हें मालूम है? मालूम है सर। ठीक है बैठो, तुम बताओ। पता है सर। बैठ जाओ। हाँ तो बताओ। वो सर, तुमने कहा था पता है, वो इसलिए कि आप बैठने के लिए कहोगे। अच्छा ऐसा क्या, चल हाथ निकाल। ये ले, मुझसे झूठ बोलता है, काम चोर कहीं के। रुकिए सर, हमसे ज्यादा मेहनती और कोई नहीं है सर। हम रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, फिर स्कूल बैग लेकर यहाँ चले आते हैं। यहाँ आने पर इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर, ये सब टीचर्स मिलकर हमारी जान लेते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद ट्यूशन टीचर हमारी जान लेता है। सुबह से लेकर शाम तक ना कोई सोने देता है ना कोई खेलने देता है, बस पढ़ाई पढ़ाई का टॉर्चर करते रहते हैं। आज के दौर में हमसे ज्यादा मेहनती कोई है? बताइए सर, बताइए ना सर। बहुत बकवास करने लग गए हो तुम, अगर तुम्हें अकल होती तो उस रवि को देखकर सीख लेते तुम। सर मुझे उस रवि से बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। जैसे कोई रवि नहीं आइंस्टाइन हुआ जो सब इससे सीखने के लिए कहते हैं।
करती क्यों गिन रहा तू? बड़ा हो जाने पर तुझे सूद समेत वापस जो करना है। चौथा फटका। पूरे पांच। एए, माल से। उसे मारा क्यों तुमने? बताओ मुझे। रीजन बताओ। हाँ। मारने वाला मैं हूँ, मार खाने वाला वो है, तो आप बीच में पड़ने वाले कौन है? तो पता होना चाहिए। पता करके क्या करोगे? गलती उसकी है तो उसे मारोगे? मैं उसे क्यों मारूंगा? ठीक है, चलो मैं गलत हूँ, मुझे मारोगे? मुझे क्या पड़ी है? तो बीच में उंगली क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। रुको बेटा, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो चाचा, जब रोना हो तो रो लेना, हंसना है तो हंस लेना, और जब मारना हो तो मार लेना। ऐसे उठा के ले आएगा तो क्या समझा मैं डर जाऊंगा? अगर भाई को पता चला तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना तुम लोग? एक एक का कीमा बन जाएगा। बताया ना मेरा भाई कौन है? बंसी, बंसी लाल। मेरे भाई को धमकी देगा ना तो तुम सबकी जान कहीं समझो? यही है ना तेरा भाई? आंख खोलो तो जिंदगी, बंद करो तो मौत। छोटी सी है ये जिंदगी, अगर जिंदगी खुशी से जीना चाहते हो तो गाड़ी बंगले का शौक होना चाहिए, पैसे का जुनून होना चाहिए, औरतों का शौक होना चाहिए, और पता है इनके अलावा क्या होना चाहिए? मुझ जैसे आदमी से डर। ये तेरे भाई के पास नहीं था, इसीलिए मारा गया। इसे क्यों छोड़ दिया? उसकी जान तो कब की निकल चुकी है। क्या हुआ? अभी तक नहीं मिला है। अगर मिले और बिका हो तो खरीद लो, अगर बात ना माने तो डराओ उसे, और अगर तब भी ना माने ना तो मार दो, समझ गए ना? चलो अब जाओ। तू मेरी रानी। हाय डार्लिंग, बाहर निकल, चल घर से बाहर निकल। अरे यार, ये फिर से शुरू हो गए, मारपीट करता है। तुझे पता है ना आज तूने किसके साथ मारपीट की है? मारने से पहले इंक्वायरी करते हैं क्या पापा? ये राजेश खन्ना का डायलॉग है। तूने उस बगल वाले मिश्रा जी को क्यों मारा? उसने मुझे खरीदने की कोशिश की इसलिए मारा। अब ये धर्मेंद्र का डायलॉग है। तुम मुंह बंद रखो माँ, तुमने उसे भरे बाजार में क्यों मारा? वो मुझे मारना चाह रहा था इसलिए उसे जरा जोर का झटका दिया। अरे गणेश भाई का तू चुप कर। पता है वो तेरा फोटो लेके पूरे गांव में घूम रहा है। मेरी बात मान, तू गांव से बाहर जा, तू जाएगा तो पिंड छूटेगा। अरे किसी और से डरकर इसे क्यों भागने को कह रहा है? एकदम सही बोली। शादी के 10 साल बाद मन्नत मांग कर जब ये पैदा हुआ तो इसे प्रसाद के रूप में माना और नाम गणेश रखा, पर आज पता चला कि तू प्रसाद के रूप में एक सांप है। गणेश, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है? मेरे बेटे को देखो, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 50,000 की पगार, कार में घूमता है वो भी एसी कार में, बहुत जल्द अमेरिका भी जाने वाला। अपने आप को देखो, इन गधों के साथ घूमते रहते हो दिन भर, झगड़ा करते रहते हो लोगों से। तुम्हें बचपन से समझाता आ रहा हूँ, मेरे बेटे से कुछ सीखो।
गजब नहीं समझोगे। देखा ये अपने बेटे की कितनी तारीफ कर रहे हैं। मैं भीख मांगता हूँ कि तुम यहाँ से निकलो और मुझे श्राप मुक्त कर दो। अभी बता देता हूँ, मेरा बेटा ऐसा है करके आप और मेरा बेटा वैसा है करके आप डिफरेंसेस करना बंद कीजिए। दोनों के बीच में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। मुझे देखकर कुछ सीखो, ये मिसाल बन कर दिखाऊंगा। चलता हूँ। चल बे। पकड़ी से। अरे कहाँ भाग रहे भाई? अरे बता दो कहाँ जा रहा है? हाँ? हम गांव से इतनी दूर सुस्तू करने आए क्या? नहीं बे, धूल चटाने आया हूँ। अबे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो साथ लेके चल। जाना यहाँ से। मेरा क्या जाता है? हेलो, यहाँ मैं आ चुका हूँ और खाना भी खा चुका हूँ और अब बस तेरा इंतजार है। जल्द से जल्द आ जा यार तू। छोड़, शॉपिंग पर ज्यादा ध्यान है तुम्हारा। क्या खूबसूरती है, उंगलियों के निशान पड़ गए। वैसे टाइम पर आ गया इसलिए अच्छा हुआ। ऐसे क्यों देख रही है? बच्ची को बचाने के लिए तो कोई ऐसे मारता है क्या? अरे बेंजी गलती होगी, सॉरी बोल दे रहा हूँ। अरे शर्म नहीं है तुझे? तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे एक बार बोल दिया ना सॉरी, अब क्या तेरे पैर पकड़ गया? मतलब क्या हुआ? ए मुझे पागल ही लग रहा है। लड़की सुलझ मत वरना कंप्लेंट दे देगी। कंप्लेंट दे देगी? मुझे लगा ये ऐसी डांट रही है। तुम्हारी तरह वो भी उस बच्ची को बचाने आई थी और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। सच में? अरे सॉरी, अब मुझे माफ करना। सॉरी जी, सॉरी जी। आपने मेरी बच्ची को बचाया, चलो बेटा। हेलो एक्सक्यूज मी, फोन बैग में रखना और बच्ची को गोद में रखना, जा। ए वैसे इंग्लिश में माफी को क्या कहते हैं? आई एम वेरी सॉरी। क्या बोला? आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। अरे बाप रे, पैर भी कितने खूबसूरत हैं। आई एम सॉरी। पर जाके इतने कड़क क्यों है? Hey! तू? वो तो कब की चली गई? अरे वो लड़की कहाँ गई? अरे वो उधर गई। अरे कहाँ गई? अरे रुक जाओ, ये गाल पर निशान कैसा? वो रैशेस है भैया। इसे रैशेस कहते हैं क्या? मेरे सामने सच नहीं बोलोगी तो चलेगा, पर झूठ कभी मत बोलना। वो क्या है ना भैया, ये छोटी बच्ची को बचाने के। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी हिफाजत अनदेखा करना अच्छी बात नहीं है। अंदर जाओ। ए, ए, उसे बोलना कि अच्छी तरह से रहे। हेलो। हेलो सरोजा आंटी है? हाँ, तुम कौन हो? एक बार गायत्री को बुला दोगी? वो नहा रही है। प्लीज 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 आंटी, बहुत अर्जेंट काम है आंटी, प्लीज। तुम्हारा ही फोन है। हेलो गायत्री, अब तक वही साबुन इस्तेमाल करी हो क्या? बदबू यहाँ तक आ रही है उसकी। ए, कौन बोल रहे हो तुम? अरे मैं गणेश बोल रहा हूँ। गणेश कौन? मैं नहीं जानती। टेंथ में जिसने तुझे आई लव यू कहा था, वही गणेश बोल रहा हूँ। इडियट, उस दिन तुझे मना कर दिया था ना, तो फोन करके टॉर्चर क्यों कर रहा है मुझे? टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ यार, थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। थैंक्स क्यों?
फिलहाल तो मैं हैदराबाद आया हूँ और एक खूबसूरत लड़की को देखा है, फिक्स हो गया, उससे प्यार किया है और अब उसी से मेरी शादी होगी। अगर तुम मुझे पहले हाँ कह देती तो आज ये लड़की मेरे हाथों से मिस हो गई होती ना। आज से तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है, इसलिए तो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। चप्पल से मारूंगी तुझे। जो मदद तुमने की थी उसके लिए तुम झाड़ू से मारो या चप्पल से मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, थैंक्स। क्या कहा, कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे नहीं यार, कितनी खूबसूरत है, दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो जरा सोच, वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। वैक्स, उसी से प्यार करूंगा और उसी लड़की से शादी भी करूंगा। लेकिन वो दोबारा मिलनी भी तो चाहिए। अरे जरूर मिलेगी यार, तुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों को देखा सिर्फ अट्रैक्शन की नजर से देखा, लेकिन इस लड़की को दिल से प्यार करता हूँ। फिक्स हो गया यार, अपने प्यार पे मुझे भरोसा है। मतलब अब तू किसी और लड़की को नहीं देखेगा? देखो तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो तो मैं अपने लेडी ऑनर के बारे में बता देता हूँ। लेडी ऑनर बहुत खूबसूरत है, एकदम भैंस की तरह है, एक नंबर की खड़ूस है, बिहेवियर उसका भिखारियों से भी बदतर, बड़ी नामचीन है, इस शहर की हर गली में उसकी चर्चा होती है। तू इस तरह ऊपर नीचे क्यों कर रहा है? जिम का पैसा बचाना चाहता है और ऊपर नीचे दौड़ कर मेरी सीढ़ियों को घिस रहा है। तेरे बाप ने बनाई है क्या ये सीढ़ियां जो इतना फुदक रहा है तू? तेरी तो मैं पानी खत्म होने पे अगर मांग लिया तो पानी में डुबा डुबा के मारती है। मतलब होली खेलने का शौक है? अबे करंट बिल और मोटर का बिल का तेरा बाप भरेगा? बिजली के फोकट में आती है क्या? अबे ठंडी में पानी गर्म करने के लिए अगर हीटर लगाया तो उसी से जलाकर मार देती है। जानना चाहते हो वो क्या करती है? हाँ हाँ, मैं आऊंगा ना, कोई चिंता नहीं। क्यों रे फटीचर, 3 महीने से किराया भरने के लिए कह रही हूँ तो बहाने बना रहा है? अपने बाप की जागी समझ के रखी है। कल इस वक्त तक रेंट और करंट का बिल नहीं भरा तो कपड़े उतार कर बाजार में खड़ा कर दूंगी। तू मेरे को नहीं जानता है, पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है शूर्पणखा, रेंट वाली शूर्पणखा। मेरा नाम सुनते ही सारा शहर कांपने लगता है। तू कहाँ सटक रहा है बे? कहीं नहीं जा रहा था दीदी, बस बाथरूम लगी थी तो। तू मुझसे मजाक कर रहा है? हड्डियों को चूर चूर बना के रखूंगी। ऐसा लगता है किंग कॉन्ग को किसी ने डेकोरेट कर दिया है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। घबरा मत, मैं हूँ ना। नमस्ते दीदी। क्या बात है, सुबह सुबह दो बेकार लोगों को कहाँ से उठा कर लाया? ये मेरे दोस्त है, गांव से आए हैं, 2 दिन में ही चले जाएंगे। तेरा ही ठिकाना नहीं है, ऊपर से इन दोनों को भी उठा कर लाया। इसके पैर भी कितने खूबसूरत है। मुझ पे चांस मार रहा है? चला गया, सारा मूड चला गया तेरी तो। अगर और ऊंची आवाज की ना तूने तो तेरी जुबान काट के रख दूंगा। वो नहीं तो ये मिलेगा, ये नहीं तो वो मिलेगा, और वो नहीं मिला तो कोई और बकरा मिलेगा, यही सोचकर तुझे इतनी चर्बी चढ़ गई है क्या? ये माचिस की डिब्बी जैसा घर जिसे तू पैलेस कह रही है और तू उसकी महारानी है, हमारे यहाँ तो मुर्गियों का घर भी इससे बड़ा होता है, समझ गई तू? छोड़ मुझे, छोड़। अरे तू क्या देखेगी मुझे, बोर्ड पे तेरी तस्वीर क्या लग गई तो बहुत गुरूर चढ़ गया क्या तुझे? तेरी ये तस्वीर मैं तो भगवान का नाम क्या लेती है, भैंस गई की रोज तुझे नहीं छोड़ूंगा, अभी तेरे मुंह पे गोबर मारूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दीदी माफ करो, अब नहीं माफ करो, मैं छोड़ मुझे। बैठना यहाँ पे, बैठ जा। वो भैंस उसका ना जाने क्या हाल करेगी, मैं जाकर के देखता हूँ, तू यही बैठना, यही बैठ। चल भाई चल। अच्छा खासा सपना देख रहा था, पता नहीं कहाँ गई मेरी डार्लिंग। अरे अपनी डार्लिंग तो यही है। माफ कर दो। बस अब बहुत हो गया, मकान की मालकिन हो तो हम जैसे मासूमों पे अत्याचार करोगी? आज तक गर्मी में फैन के लिए और ठंडी में गर्म पानी के लिए तरसते रहे हैं हम, हर बार टाइम पे किराया देते रहे और तुम्हारी गालियाँ भी बर्दाश्त करते रहे हम लोग। आज हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकली है, ज्यादा बात की तो काट कर रख दूंगा।
ए, आज से तुम सबकी जिंदगी बदल गई है। आज से डर डर के रात को बियर पीने की और इस मोटी के सोने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी चोरी लाने की जरूरत नहीं है। बिजली हमारी, मेहनत हमारी, रेंट हमारा और फैसला ये मोटी करेगी क्या? आज मेरे अंदर की आग भड़क उठी है। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस मोटी का कोई भी हुक्म कभी नहीं मानूंगा। तू आज गला फाड़ कर चिल्ला या धरती फाड़ कर चिल्ला, रिश्तेदारों को बुला या मोहल्ले वालों को बुला, चाहे तू गुंडों के साथ आया चाहे किराए के टट्टुओं के साथ आ, आज तुम्हारा घर खाली करके रहूंगा। क्या हुआ? माफ करना दीदी, माफ करना। असल में ये इसे कहना चाहिए मुझे? हाँ, ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? सब तेरा किया धरा है। देवी की तरह दिखने वाली हमारी दीदी को मैंने इतना भला बुरा कहा, इतना ही नहीं मैंने हाथ भी उठाया। मुझे यह हाथ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हाथ मुझे, नहीं चाहिए हाथ मुझे, नहीं चाहिए हाथ मुझे, नहीं चाहिए तो मुझे क्यों पीट रहा है? दीदी के पैरों में पड़ के माफी मांग, माफी मांग। क्या कर रहा है? अब यहाँ पर हम किस मुंह से किराए पे रहेंगे? चल बे। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, मुझे पता है तुम अच्छे हो, सब कुछ इसका किया धरा है, मुझे पता है बेटा। ये सब लोग बहुत बुरे हैं बेटा, मुझे पता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आज से ये पूरा मकान तुम्हारा है बेटा, तुम्हारा ही है। ये चाबी भी अपने पास ही रखना बेटा, खुश रहना बेटा। थैंक यू दीदी, खुश रहना। दीदी चलता हूँ। चलता हूँ दीदी। ए, रुक जा, तू कहाँ चुपचाप खिसक रहा है बे? कपड़े धोने दीदी। पहले तो सबके सामने बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा था ना तू? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ? नहीं आ रहा है, मैं याद दिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी प्लीज। इस फोटो के आदमी को आसपास के एरिया में देखा क्या तुमने? नहीं देखा। इस फोटो में जो आदमी है इस एरिया में कहीं दिखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं तो मैंने नहीं देखा। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं देखा। अब पहचानो सारी की सारी बुरके में। अब कैसे पता करोगे कि तुम्हारी वाली कौन है? जो सच्चा प्यार करता है ना, वो उसकी आंखों में देख कर पता कर लेता है। फिर भी पता नहीं चल रहा। अबे तू चुप बैठ, उसकी चप्पल से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे अपना काम कर। वही है मेरे डार्लिंग। सीरियसली यार? हाँ सही कह रहे हैं। काफी दिनों से मैं कोशिश में तो लगा हूँ, लेकिन काम पूरी तरीके से करा नहीं। क्या कर रहे हो? क्या होता है भाई साहब, कैसे चल रहा है? इस एरिया में इस आदमी को आपने कहीं देखा है? नो सर, नहीं देखा। क्या भाई साहब, पुराने फिल्मों के विलेन की तरह फोटो लेके ढूंढ रहे हो आप? ये ट्रेंड तो आउटडेटेड हो चुका है। आजकल फेसबुक है, ट्विटर है, ये सोशल साइट्स मौजूद हैं। इन पे फोटो डालो, जल्दी मिल जाएगा। सुन रहे भाई, फेसबुक और ट्विटर की बात कर रहा है वो आदमी? ये सब क्या होता है भाई? Hi guys, can I join? Thank you. Nice test. तुम कुछ फेसबुक और ट्विटर की बात कर रहे थे, क्या है ये? जरा वो फोटो तो दीजिए। दीजिए तो। आपका नाम क्या है? झटका श्रीधर। ओके। वैसे आपका इस आदमी से क्या रिलेशन है? रिश्ते में आप इसके क्या लगते हैं? किलर, मर्डर करना, अगर वो मिल जाए तो। आर यू जोकिंग? वैसे भी ये सब चीजें सोशल साइट्स पे नहीं डालते हैं। इसीलिए तो हम फोटो लेकर उसे ढूंढ रहे हैं। I know Facebook. I know Zuckerberg also. Zuckerberg पर फिल्म बनाने वाले डेविड फिंचर को भी मैं जानता हूँ। देखो, इसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा बॉयफ्रेंड आएगा ही, उसे भी समझा देना, बिना मांगे राय ना दे।
अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने सोचा सॉफ्टवेयर है, पिक्चर में दिखाया कि किसी पब की तरह होगा, ये तो आसमान से भी ऊंचा है भाई, ऊपर जाएंगे कैसे? तूने जो ड्रेस पसंद की थी ना, मुझे बहुत। अरे रे रे रे, जरा यहाँ की रंगीनियाँ तो देखो भाई, हैं? इस कंपनी में चौकीदार की नौकरी मिल गई तो भी आराम से जिंदगी कट जाएगी मेरी तो। अरे तेरी तो क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? अंदर घुस रहा हूँ, पहले मुझे घुसने दे, बाद में तू घुसना, ठीक है? ठीक है जा। चल खड़ा रहे। जा 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 जा। ए कौन है? कहाँ घुस रहा है? दरवाजा लो। अरे सुनो तो, काम के लिए आया हूँ। क्या है? चलो चलो बाहर। अरे भाई चलो। अरे बात तो सुनो। ए चल बाहर चल। कुछ भी करके नौकरी तो हासिल करनी होगी, लेकिन करेगा क्या जब सही रास्ता ना मिले तो? टेढ़ा रास्ता अपनाना चाहिए। अरे सुन 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 सुन, ए क्या कर रहा है? सुन तो, मुझे भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। मेरे डैड साइंटिस्ट हैं। बंदर इतनी गुलाटियाँ क्यों मारता है, इसकी उन्होंने खोज की। सच में मेरे डैड भी साइंटिस्ट हैं। चूहों के दांत क्यों बढ़ते हैं, ये उन्होंने खोजा। ओके पता है मेरे डैड भी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या खोजा? मेरा खोज किया था। अबे पहले ये बता अंदर हुआ क्या? बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, जब अमेरिका में हो तो ठीक है इंग्लिश आनी चाहिए, इंडिया में क्या जरूरत है? बिल्कुल सच है, इस बारे में हमें पीएम से बात करनी चाहिए। आता हूँ। चल कोई इंग्लिश बुक खरीदते हैं यार। क्या अभी कभी सब सीख लेगा? सूत्र की कहानी ये नहीं है। ओ और भी है क्या? देखता हूँ। भारत एक खोज। ए गणेश ये देख, 30 दिन में अंग्रेजी सीख जाएगा, इसको ले ले। हैं? नहीं नहीं हैं? मैं तो ये वाली लूंगा। हिंदी से अंग्रेजी सीखेगा? 30 दिन अच्छे से इंग्लिश सीखूंगा और अपनी डार्लिंग से इंग्लिश में प्यार का इजहार करूंगा। गणेश एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? एक काम कर, दोनों बुक खरीद ले, 15 दिन में दोनों आधी आधी सीख लेंगे। आइडिया अच्छा है ना? निकल यहाँ से, चल। अबे चल। We, मतलब हम, यू मतलब तुम, मदर यानी माँ, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मेरी नींद, फादर यानी पिता, ब्रदर मतलब होता है भाई। धत तेरी की, एक हफ्ता हो गया अब तक परिवार में ही अटका हूँ, पता नहीं अपने प्यार तक कब पहुँचूंगा। इन सब से कुछ नहीं होगा। अरे सत्तू क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे कहते पता? एक अक्षर भी यहाँ का वहाँ नहीं होना चाहिए। I love you very much. How to tell in English? Tell. चेन्नई एक्सप्रेस की तरह नहीं, आराम से बोल। ऐसे नहीं होगा। इसे पकड़, अब लिख। I love you. I love you very much. Very much. How to tell in English? Tell. I love you very much. How to tell in English? Tell. I love you very much. How to tell in English? Tell. I love you very much. How to tell in English? Tell. ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दे भाई, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दे, ये देना भाई। चले गल। ये शक्ल से अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा मदद करो ना भाई। अरे जाना आगे नहीं है। अरे भाई कुछ तो दे दो भाई। ए मेरे पास कार्ड है, कैश नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास मशीन है। I love you very much. कार्ड माने ATM कार्ड नहीं, आधार कार्ड है। क्या करूं क्या करूं? बेकार साला, मुझसे भी भिखारी। ए क्या कहा तूने? कुछ नहीं, यही कि भगवान आपको तरक्की दे। ए झूठ मत बोल, मैंने सुना। अरे भाई वही कहा, क्या बोल रहा है? ए बकवास मत कर। I love you very much.
to tell in English tell. देख आ गया तेरा भिखारी। मैडम, भाई 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 कुछ तो दे दो ना, कुछ तो धर्म करो ना। ये तो बस है। कुछ तो दे दो ना, दे दो दे दो दे दो दे दो। अबे साले, मैंने आई लव यू कहा भी नहीं इससे पहले, ये लड़की हंसी, इसका मतलब ये फंस गई। भाई 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 दे दो ना। भाई इसकी हंसी पे मुझे कुछ शक हो रहा है। अरे तू जलता है मुझसे, इतनी खूबसूरत लड़की मुझ पे लाइन मार दिया ना, इसलिए तू जल रहा है। एक नंबर का भिखारी है तू। आई लव यू वेरी मच, हाउ टू टेल इन इंग्लिश। बकवास बंद करता ना। ए, तेरी बुरके वाली बस में चढ़ गई। अरे वो तो जा रही है, जा रही है। अरे, अरे सुन तो। बाय। अबे ये बस कहीं और की है। आई लव यू वेरी मच, हाउ टू टेल इन इंग्लिश। यहाँ बैठी है। I love you very much. How to tell in English? Tell. ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछता है? जा जा, सिखाने वाले बहुत सारे हैं। Shit. क्या कहा था मैंने? एकदम सेम टू सेम बताने के लिए मुझे सबके सामने कथा बना दिया। अरे तो अरे रुक रुक, मुझे तुम्हारे जॉब के बारे में इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोला था मैंने सही बताने को, बोला था सुन। अरे हम तो तुझे, वैसे भी तू यहाँ जॉब के लिए आया है या लड़की के लिए? जॉब के लिए एक जरूरी बात है, ध्यान से सुन। जॉब के बारे में है तो मैं पक्का सुनूंगा, चल बोल। अपने एरिया में एक आदमी आया है, उसकी सिफारिश से लोग बड़ी से बड़ी कंपनी में भी जॉब पा जाते हैं। तुम अपने गुस्से को काबू में करके उससे मिलो तो तुम्हें भी एक जॉब मिल सकती है। तो क्या सोच रहे हो? सही बोल रहा है, फिर भी तुझे मारे बगैर तो नहीं छोड़ूंगा। भाषा समझने के लिए मुझे इनमें से किसी के गले लगना होगा। हाँ, ये मिला है सही बंदा जिसके गले लग सकता हूँ। अगर यहाँ जीना है तो झूठ बोलकर और दुनिया को उल्लू बनाकर ही जिया जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अंबानी बना दीजिए। अगर सबको उल्लू बना के और झूठ के सहारे जीना है तो ये पूजा पाठ किस लिए? आप कौन है सर? मैं एलियन, दूसरे ग्रह से आया हूँ, पर मैं किसी के भी गले लगकर उसके हाव भाव, उसकी भाषा, वृत्ति प्रवृत्ति सब कुछ जान लेता हूँ। मेरे गुरु जी, आपको देख कर ही मुझे डर लग रहा है। मेरे अंदर की सारी बातें आपने ऐसे छू कर ही जान ली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बन जाइए। कहिए पार्टनर बनने को तैयार हैं? पार्टनर बना है, ठीक है, आज से हम पार्टनर। तो ठीक है, 50-50? नो नो, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? बस मेरा रिमोट ढूंढ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी, आप मेरे लिए गुरु समान है, आपकी हर बात मैं मानूंगा। और उसी दिन से आप जैसों की मदद करते हुए मैं अपने रिमोट को ढूंढ रहा हूँ। सर, ये आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है सर, मैं सह नहीं सकती, इसीलिए मैं अब जीना नहीं चाहती। मैंने ऐसा नहीं कहा सर, घर वालों को कन्विंस करना है, शादी कर लेंगे, बस थोड़ा वक्त दे दो, मैंने यही कहा सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। ओके ओके ओके, जरा मेरे पास आओ, तुम्हें मुझे हक करना है। क्या हक करना है? किस लिए? किस लिए? दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप चाहिए होती है, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए हक करनी पड़ती है। आ जाओ, आओ, कम ऑन। ये क्या कर रहा है? कम ऑन। लगता है ये हमसे भी गले मिलने वाला है। नौकरी चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। सच्चाई तो ये है कि तुम ही इससे छुटकारा पाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड मिला है।
और वो इससे भी ज्यादा अमीर है ना? Yes, you are right. ठीक है, कोई बात नहीं, रिसेप्शन पे फीस भर के जाना, इससे तुम्हें एक हफ्ते में छुटकारा मिल जाएगा. ओके ओके सर. गो, कल तुम मुझे पर्सनली मिलो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते सर. बोलिए, क्या बात है? हम आपके पास नौकरी के लिए आए हैं. वेरी गुड. मैं स्कैन करने से पहले कुछ नहीं करता. स्कैन मींस पहले मैं हक करता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ. सबसे पहले मैं. जस्ट वेट, नॉट नाउ, कल रात में, डिनर के बाद. डिनर बोल के पार्टी के नाम पे पता नहीं कितने का बिल फड़ेगा. क्या हुआ, सोच रहे हो बिल फाड़ूंगा? मैं इस ग्रह का नहीं हूँ, दूसरे ग्रह से आया हूँ. वो पार्टी भी मेरी होगी और उसका खर्चा भी. ये क्या, इन्होंने तो मेरे दिल की बात जानी. तो कल रात मिलते हैं, जरूर आना. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके बाय. भाई आज के दिन कम से कम सही पहचानना. आज तो किसी भी हाल में मिस होने का चांस ही नहीं है. वो इसकी तरफ देखती नहीं और ये उसे ही ढूंढता रहता है. इस टेंशन में मैं सिगरेट पी रहा हूँ. सुनो बेटा, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है. सही कह रहा हूँ अंकल, भारी तो फेंक रहा हूँ. क्या पागल है. जरा सुनिए अंकल, जरा पैर सामने लाइए. आज तक ऐसी सलाह किसी ने नहीं दी. दिन भर आपके पैर छूता रहूंगा, इसीलिए आपके पैर की तस्वीर खींच के रख लिया. तुम्हें समझाना मेरी बेवकूफी है. देखो आ रही है. चलो देखता हूँ कैसे पहचानता है ये. ओ गणेश, तेरे लिए एक छोटा सा टेस्ट है. ये जो ग्रुप आ रहा है ना, इसमें तू अपनी वाली को पहचान ले, मैं मान जाऊंगा कि तेरा प्यार सच्चा है. बाप रे बाप, मेरी वाली तो दिखाई नहीं दे रही है. ढूंढ के. मैं मुझे मेरी दुनिया दिखाई दे रही है. इनको देखकर तो मुझे मेरी बीवी याद आ गई. वो हूबहू इनके जैसे ही दिखती थी. चला. स्टुपिड, क्या हुआ? कितनी बार कहा है तुमसे मेरा पीछा मत करो. आज के बाद मेरा पीछा किया तो तुम्हें चप्पल से मारूंगी. गेट लॉस्ट. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू कहने आया हूँ, इसके लिए भी मारूंगी मुझे. देखो, प्यार का मतलब होता है जिंदगी भर साथ निभाना. कुछ वक्त का टाइम पास नहीं होता. लड़की की खुशी चाहने वाले को ही असली प्रेमी कहते हैं. Don't ever show me your face again. अबे गणेश, देखने में सॉफ्ट दिख रही थी लेकिन है बड़ी कड़क. इस रास्ते पे उस लड़के की क्या धुलाई कर दी उसने? मुझे तो लगता है कि इसने गलत लड़की चुन ली है. अरे गणेश, वो तो चांद है यार. गणेश तू बाल बाल बच गया बेटा, वरना उस लड़के की जगह तू होता. मैंने कुछ कहा क्या? ये सब छोड़ दो. मेरे हिसाब से फूस और चिंगारी साथ नहीं होनी चाहिए, वरना आग लग जाती है. बेहतर है कि तू उसे भूल जा. भूल जा उसे. ए उठ जाओ. क्या हुआ यार, क्या हुआ? अबे साले, एक बार फ्लैशबैक में जाके तो देख. प्यार का मतलब होता है जिंदगी भर साथ निभाना. कुछ वक्त का टाइम पास नहीं होता. ऊपर क्या है बे? मेरी डार्लिंग ने कहा कि प्यार किया तो जिंदगी भर साथ निभाना चाहिए. मतलब उसका भी अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. आज तक जितने दिन मैं उसके पीछे भागता रहा, गाना गाता रहा, बदले में उसने उस लड़के को पीटा लेकिन मुझे नहीं पीटा. मतलब ये लड़की अपने से फट गई है भाई. अब से अपने को इंग्लिश सीखने की कोई जरूरत नहीं है. ए, देखना कल सुबह उठकर फ्रेश होकर एकदम शुद्ध इंग्लिश में मैं उसे आई लव यू कहूंगा. आई लव यू तो इंग्लिश है बे. ए, यहाँ भाषा की नहीं, फीलिंग की इम्पोर्टेंस है. समझा? गधा कहीं का. सो जा. सुन, वो दोनों तेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं. क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? रुक जा, रुक जा. लड़की को चढ़ेगा. तुम इसे ऐसे क्यों मार रहे हो? कहाँ जा रहा है? इसे क्या लेना देना? क्या कहा तुमने? क्या कहा? जो लड़की की खुशी चाहता है वही असली प्रेमी होता है, ऐसा ही कहा था ना? अगर तुम खुशी से रहना चाहती हो तो ये तुम्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? कहता है एसिड तुम्हारे ऊपर डालेगा, तो फिर मेरा क्या होगा? मारो इसे, मारो इसे. एसिड फेंकेगा
एसिड फेंकेगा। नहीं फेंकूंगा, एसिड फेंकेगा, नहीं फेंकूंगा। अबे पीछे मुड़ के देख रही है बे। मिस्टर गूगल, मिस्टर गूगल, ओह सही टाइम पर आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पार्टी शुरू करते। लेकिन सर यहाँ ना बियर दिख रही है ना बिरयानी दिख रही है। पार्टी मेरे हिसाब से होगी। मैं तुम सबसे कुछ कहूंगा, तुम लोग वैसे करते जाओगे और पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। ओके 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 ओके। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। ऐसे, फिर ऐसे। अब हाथ सीधे आगे, हथेलियां ऊपर। अब उंगली उठाओ। अब सब लोग क्लॉकवाइज मेरी तरह घूमो। ए, ये तो हम लोगों से योगा करवा रहे हैं। कुछ लोग खाने से पहले भगवान के पैर पड़ते हैं, ये योगा करा रहा है। और क्या, अपनी अपनी स्टाइल है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा पीऊंगा। सर गूगल सर, और कितना घूमेंगे? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सर। तुम्हारे पेट में दौड़ रहे होंगे, लेकिन मेरा तो पेट भरने वाला है। यस, ये कैसे हो सकता है? दारू कहाँ है, खाना कहाँ है? दारू, खाना, टिक्का कबाब, सब कुछ कॉस्मिक एनर्जी में ही है। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? यस, आकाश से कॉस्मिक एनर्जी जब धरती पर पड़ती है तो उससे अनेकों प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं, जिन्हें हम काट कर मटन चिकन बनाकर खा जाते हैं। ऐसा ना करते हुए हम सब सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ही ग्रहण कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना खाइए, पीजिए, नाचिए और ऐश कीजिए। अरे साहब, मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया है, इनसे पूछ। मेरा पेट तो कल के लिए भी भर गया। अभी बोलना, कॉस्मिक एनर्जी में स्कॉच जैसा फील मिला? मुझे नहीं चाहिए सर। बिना पैसे खर्च किए आपने हमको पेट पूजा सिखा दी। आप तो ग्रेट है सर, बहुत महान है सर। कितना अच्छा खाना खिलाया आपने, अन्नदाता सुखी भव। सुखी भव। इतना ही नहीं सर, आप हम जैसे को नौकरी दिलाने वाले भगवान ही हो सर। इट्स ऑल राइट, फिर स्कैनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नंबर। रुक जाओ, तुम हक के लायक नहीं हो, तो मैं सिर्फ टच करूंगा। अब तुम आओ, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर। स्टोरी नैरेट करनी नहीं आती। तुम्हारे दुख के दिन बीत गए, तुम श्योर शॉट डायरेक्टर बनोगे। सर, आप इंसान नहीं है, मेरे लिए भगवान के फरिश्ते हैं सर आप। ओके, अब जरा तुम आना, हाथ देना। स्कूल में तुमने किसी से लड़ाई की, उसे चैलेंज देकर तुम यहाँ आ गए। करेक्ट सर। एम आई राइट? आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर आप ही को हमें कोई रास्ता दिखाना होगा। ओके ओके ओके, पैसे तैयार रखो। ओके सर। राइट, ओके सर। ए, जब वो स्कैन कर रहे थे तब तू क्या सोच रहा था? बोल ना, बोल ना। सोच क्या रहा था? वांटेड फिल्म में आशा के पीछे दो गेंडे घूमते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, यही सोच रहा था मैं। वो देखो, वही है पोसान, तुम सबको नौकरी देने वाला आसान। गुरुजी, गुरुजी, ठीक है। अगर खबर की होती तो मैं खुद ही आपके पास उड़ के चला आता। आपने तकलीफ क्यों की? तकलीफ नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। धरती वालों की यही बात मुझे यहाँ खींच लाती है। बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और। गुरुजी ने मुझे पहचान लिया। मैं तुम लोगों की तरह ही रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रह नहीं पाता। वैसे गुरुजी ये सब कौन है? मेरे असिस्टेंट, इनकी लाइफ बनाना। मेरा रिमोट मिला क्या? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा गुरुजी, आपका रिमोट तो मिलके रहेगा। चलिए ऑफिस में चल के बात करते हैं। तो बताइए आपको कहाँ नौकरी चाहिए? विप्रो में नौकरी चाहिए, नासा में नौकरी चाहिए, इसरो में नौकरी चाहिए या सत्यम में नौकरी चाहिए? सर सत्यम महिंद्रा में दिला दीजिए ना। बिल्कुल मिल जाएगी, तुम सबको कल बैकडोर से एंट्री करवा दूंगा। क्यों चलेगा ना? हमारी एंट्री बैकडोर से क्यों करवाएगा? आगे दरवाजा नहीं है क्या? अबे गधे, बैकडोर का मतलब पीछे का रास्ता नहीं होता, बल्कि रिश्वत देकर सिफारिश के साथ जाना होता है। गुरुजी निकालना, तू भी निकल। गुरुजी आपकी दुआ से इन तीनों की आज सेवा करने का आपने इतना अच्छा मौका दिया है। ब्लेस मी, ब्लेस मी गुरुजी। इसीलिए मुझे धरतीवासी बहुत। अरे वाह गुरुजी, क्या पंचलाइन मारी है, सच में क्या सॉलिड पंचलाइन है। अब तुम सब जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट सर, वहाँ हमें करना क्या होगा सर? अरे शेखर, उस रवि से भी अच्छी सैलरी और उससे भी अच्छी नौकरी,
अब मैं बताऊंगा मेरे बाप को भी और उसके बाप को भी कि मैं ही बेस्ट हूँ। यहाँ पर नौकरी मिल गई और वहाँ पर छोकरी मिल गई, तो अपने लाइफ सेटल यार। चल चल जरा जल्दी चलना, आज तो कुछ दे दो भाई। अबे तू यहाँ भी टपक पड़ा, मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ और तू है कि हम लोगों का पीछा कर रहा है, और कोई काम नहीं है? यही तो मेरा काम है। तेरी अबे भिखारी, इस शहर में भीख मांगने की कोई जगह नहीं छोड़ी क्या तूने? इतने पैसे कमा रहा है, करता क्या उसका? 6 महीने पहले इसका दूसरा माला मैंने खरीदा। हट सर, इस महीने का रेंट। क्यों मैनेजर? सर सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम पर भरोसा करके मैंने तुम्हें ये काम सौंपा है, ठीक से करना। चलो जाओ, कुछ तो दे दो भाई, भगवान के नाम पे दे दो। तेरी बुरका वाली। हाँ यार, लेकिन ये जाकर वहां कहां घुस रहा है? लेडीज टॉयलेट है, चप्पल खाएगा। इसको देखा है? अरे मेरी डार्लिंग कहाँ जा रही है? चल चल देखते देखते। हाय सनी लियोनी, तस्वीर कितनी बड़ी है, क्या बात है। इस पोजीशन में मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं देखा। ये दवाई लेकर आइए। भाई जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे है, हॉस्पिटल में आ जाओ भाई। मास्क निकालना ही काफी। ए, इसके सेंस काम कर रहे हैं, मेरे मारने से मर जाना चाहिए और ये अभी तक बचा है। वो औरत 6 दिन तक नहीं उठेगी, 7वें दिन उसे होश आएगा और ये तुरंत मर जाएगा। इसे कहते हैं असली पावर। हमारे काम में कुछ कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन को ब्रेक करके अगर कोई बच गया तो मुझे डर लगता है। लग रहा है कहीं मैं मर्डर करना तो नहीं भूल गया। चल तुझे नहलाता हूं।
बहुत डिस्टर्ब किया तूने, अब इंजॉय कर अपनी मौत को। तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले अधूरा काम पूरा कर ले। यहाँ किसी से डर कर नहीं आया हूँ और ना ही किसी नौकरी के लिए आया हूँ, मैं आया हूँ तो सिर्फ उसी के लिए। किसी से डर कर नहीं आया हूँ और ना ही नौकरी की तलाश में, मैं तो रवि के लिए आया हूँ। तू यहाँ रवि के लिए क्यों आया, असल में बात क्या है? रवि को मैं बचपन से पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हर कदम पर मुझसे आगे था। रवि सर, पहले मैं आया हूँ ना। रवि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसे इतना प्रिविलेज तो देना ही पड़ेगा। रवि, हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें कॉलेज में फर्स्ट आना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप हैं क्या सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको तो सिनेमा थिएटर के पास होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे आ गए? वहाँ जाने से सिनेमा का टिकट मिलेगा लेकिन हॉल टिकट नहीं मिलेगा सर। वहाँ पैसे दोगे तो फिल्म की टिकट मिलेगी, पर यहाँ पेरेंट्स को लाने पर ही हॉल टिकट मिलेगी। सर सुना तुमने, पेरेंट्स को लेकर आओ प्लीज सर। जाओ सर।
ब्लैक में खरीदने का कोई चांस नहीं है क्या? कितना तू आपको? जेल जाने के चांस है। गेट आउट। क्या यार, बाप को बुलाने को कह रहा है। अगर मेरा बाप आ गया ना तो मेरी इमेज का क्या होगा? वो तो अपने पास आए नहीं, डर किस बात का? फर्स्ट ईयर में भवानी की हेल्प, सेकंड ईयर में प्रिया की। अरे मिमिक्री की टेक्निक है ना अपने पास, अगर उसे ही अपनाया जाए तो। हाँ, अपने बाप की आवाज में से बात करता हूँ। क्या इतना बड़ा फ्रॉड करेगा? हेलो, बोलिए। मैं गणेश का डैडी बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए। ये बताइए, आप मेरे आने पर ही उसे हॉल टिकट दोगे? एग्जाम मेरा है या मेरे बेटे का है? एग्जाम तो आपके बेटे का ही है, पर आपके बेटे के सारे कारनामे हमने एक लेटर में ड्राफ्ट करके रखा है। जानता हूँ, मेरा बेटा कारनामा करने में उस्ताद है। हाँ हाँ, उसके लिए तो फूलों की माला तैयार करनी चाहिए और आपने चीप लेटर ड्राफ्ट किया। उसका बाप होने के नाते मैं कह रहा हूँ उसे हॉल टिकट दे दीजिए, वो अपना एग्जाम खुद ही लिखेगा। नहीं होगा सर, जब तक आप स्वयं यहाँ नहीं आते हम हॉल टिकट नहीं देंगे। अरे मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है सर, ऊपर वाला जब दिमाग बांट रहा था तो सबसे आगे आप ही थे सर, मेरे पास दिमाग कहाँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब तक कॉलेज में नहीं आते हॉल टिकट नहीं मिलेगा। यार कुछ नहीं हो सकता, बाप को लाना ही होगा। पिताजी कहाँ हो आप? यहीं पर हूँ मैं। अच्छा, लेकिन इतने बड़े आर्टिस्ट को इतना छोटा सा कैरेक्टर दिया है? मुझे डुप्लीकेट बाप बनाकर ले जाना चाहते हो? पैसों की जरूरत पर माँ को और हॉल टिकट की जरूरत पर बाप को बदल दोगे? बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा हो, तुम दोनों जैसा बेहुदा नहीं है। देखो उसे, उसके जैसा बनो। बेटा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, अच्छे संस्कार देना बड़ी बात है। उसे देखकर कुछ सीखो तुम लोग। हाय, ये पढ़ रहा है या भैंस की तरह लेटा हुआ है? चुप है। हर कोई अपने बेटे की हमसे ही तुलना करता है, और 1000 देंगे ना तो तुमसे भी अच्छा मिलेगा। चल। अरे भाई उतने में तो मैं ही आ जाऊंगा, डाउट तो नहीं आएगा ना? 30 साल का एक्सपीरियंस है, ट्राई करके देख लो। वाकई में आप इसी के पिता हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? लगता है इसे पता चल गया है, अब क्या करूं? बेटा हर दिन कॉलेज में आ रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं ये जानने की भी आपको फुर्सत नहीं है? कैसे बाप है आप? वो इस साल कॉलेज में कितने दिन आए पता है आपको? जरा पूछिए इससे। पता, पता, कितने दिन आया तू? अरे बाप रे, शक्ल से गंगू तेली जैसा दिखता है, तेरी वजह से इनसे भी मुझे सुनना पड़ रहा है। तू अभी तक जिंदा क्यों है? कहीं जाके ट्रेन के नीचे आके मर क्यों नहीं जाता? मर क्यों नहीं जाता? मर क्यों नहीं जाता? बोल पापा, बोल। अरे अरे बोल ना। रुके रुके, बोल सुनिए, बोल रुक जाइए, बोल। ओहो अरेगा, रुक जाइए, सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए बैठिया। अरे क्या, जरा मेरी बात सुनिए। आपका बेटा तो फिर भी ठीक है, जरा इस गधे को देखिए, इसको देखिए। कौन है वो? कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? माँ। नमस्ते सर। अच्छा बहन जी, आप इनकी माँ हैं क्या? आपको भी मुझ पर डाउट हो रहा है, सारे यही पूछ रहे हैं। आप इतनी अच्छी हैं तो ये क्यों इतना बिगड़ गया? वो पता नहीं भाई साहब, बेचारे को बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला इसीलिए बिगड़ गया। आप तो इसके बाप के जैसे हैं। आप जैसा नहीं, बाप ही हूँ। बदकिस्मती से ये मेरा बेटा है। जुरे झूठ बोलेगा और कमा बनाएगा तेरी। हॉल टिकट ढूंढ। क्या कर रहे हैं आप? अरे ये नहीं आ रहा है, कहाँ भाग रहा है? वैसे आप किसकी माँ हैं? वही तो कंफ्यूजन है कि मेरा बेटा कौन है। डैडी डैडी मुझे माफ कीजिए डैडी। अरे तू कहाँ भाग रहा है? मेरी पेमेंट तो देता जा। पेमेंट चाहिए? ये ले। अरे भागता कहाँ है, मेरा पेमेंट तो देते जा। तू मेरे बाप से बात। एक्सक्यूज मी, ये पेमेंट का क्या चक्कर है? क्यों, तुझे किसी ने बुक नहीं किया? ए सुन, रिकमेंड करूँ क्या प्रिंसिपल से? हॉल टिकट दिलवा सकता हूँ तुझे। फेल होने वाले हो, हॉल टिकट किस काम का? वैसे मुझसे कंपटीशन क्यों कर रहे हो? कार के बाजू में साइकिल पार्क करोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे क्या? मेरी मानो, इन सब चक्कर में मत पड़ो, मेरे पड़ोसी हो इसलिए कह रहा हूँ। अपने लेवल के किसी टिकट ब्लैक करने वाले या गुंडे से उलझना तुम समझ गए ना? मुझसे नहीं। अब तू विसल मार, अगर तेरे सपोर्ट में एक भी आ गया ना तो तू कार और मैं साइकिल, ओके ना? ए, पढ़ाई के लिए भले ही गुरु की जरूरत पड़ती हो, लेकिन सीटी मारने के लिए फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। एक काम कर, किसी से फ्रेंडशिप कर ले, सीटी अपने आप बजेगी।
थैंक यू फ्रेंड्स, चलो। अच्छा वो हॉल टिकट मिल गई। आजा, तू नहीं सुधरेगा, है ना? बचपन से सोचा था कि कॉलेज जाऊंगा, पढ़ाई करेगा तो सुधर जाएगा, लेकिन नालायक, तूने पढ़ाई कम और आवारा कर दी ज्यादा की। नालायक, तुझसे मैं तंग आ चुका हूँ। इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे बाप की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। मैंने पहले ही कहा था ये अपने बाप को भी बदल देगा। जरूरी थोड़े है कि बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा होगा। मेरा बेटा कॉलेज जाता था तो तेरा बेटा पिक्चर देखने, पढ़ाई के समय खाना पीना भी भूल जाता है मेरा बेटा, और तेरा बेटा खाने पीने के सामने पढ़ाई। तुम नहीं बदलोगे, अभी देखते जाइए। तेरे पैदा होने से पहले लोग मुझे शर्मा जी कहकर बुलाते थे, बड़ा नाम था मेरा, पर अब लोग कहते हैं जरा शर्माओ शर्मा जी। उस बगल वाले रवि से कुछ सीख। नालायक कहीं का। इस तरह चाहे वो घर हो, स्कूल हो या कॉलेज, सारे लोग मुझे उसे देखकर सीखो, उसे देखकर सीखो बस यही कहते थे। मैं चाहता तो अपने आप को बदल सकता था, लेकिन रवि की तरह बनने के लिए बोलते थे तो मुझे गुस्सा आता था। जब उसे नौकरी मिली तो वो शहर से बाहर चला गया है, ये सोचकर मैं बहुत खुश हुआ था। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अरे बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, जीजा जी घर की परिस्थिति खराब है इसलिए कुछ दिन यहाँ बिताएंगे, यहीं कहीं पड़े रहेंगे, बुरा मत मानिएगा। जो पैसे मैंने आपको दिए हैं उन पैसों में से अगर आप मुझे कुछ वापस कर देंगे तो हम लोग गांव जाकर कर्जा चुका देंगे, नहीं तो इन्हें देखिए, इन मासूम बच्चों को देखिए, पूरी फैमिली को लेकर ट्रेन के नीचे लेटना पड़ेगा। देखिए आपके पैसे मैं जल्दी दे दूंगा। वो पैसे अगर आप हमें दे देते तो आपके घर पर हमें आकर रोने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीमेंट की नहीं मिट्टी की दीवार है, ऊपर से छत ऐसी कि कभी भी टूट सकती है, बरसात में पानी अंदर। हाय 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 हाय, दुनिया में जैसे सिर्फ इसी का बेटा है बस, जब देखो मेरा बेटा ऐसा है वैसा है उसी की तारीफ करता रहता है, मेरा बेटा सबसे तेज है, इतनी पढ़ाई की है, जब देखो बस यही बकवास। अब कहाँ गया तुम्हारा बेटा? जब हमारे घर पर पैसे मांगने आया था तब तो कह रहा था कि मेरे बेटे को यूं नौकरी मिल जाएगी, यूं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़, बोलो। अरे जरा शांति रखो, पहले ही दिल के मरीज हैं। जीजा जी मेरी पत्नी थोड़ी बिगड़ी हुई है, अगर आप पैसे दे दें मैं इसे लेके चला जाऊँ। मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। हाँ। वो जल्दी ही आ जाएगा। हाँ, आपके पैसे मैं। अब बस भी कीजिए, मुझे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। पहले ही घर गिरवी रखकर उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया, या तो वो पीकर मजे कर रहा है या तो फिर किसी औरत के साथ बिलछर्रे उड़ा रहा है, या तो कहीं मर मरा गया होगा। सही सही कर रहे हो जीजा जी, जब पैसे मांगने आए थे तो पैर पकड़ लिए, जब चुकाने की बारी है तो कॉलर पकड़ रहे हो। रुक जा बता तो कहाँ जा रहा है। अरे जाने से पहले क्यों टोकती हो माँ, रवि के पिता के घर लेनदार आकर झगड़ा कर रहे हैं, एक बार जरा देख के तो आऊँ। वो क्या है बेटा, कोई भी किसी के सामने अपनी बेइज्जती होते नहीं देख सकता, और वैसे भी वो बहुत परेशान है, ऊपर से बेटा भी लापता है। अगर तुम्हें मदद करनी है तो चोरी छुपे करना, ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं। जा अंदर, मैंने कहा जा। आखिरी बार कह रहा हूँ, जाना। इसके बाद बातें नहीं होंगी। आपने अच्छा नहीं किया जीजा जी, कह देता हूँ। चलो अपना सामान उठाओ। ऐसे लोगों के घर बर्बादी। तुम लोग क्या खड़े हो, चलो जल्दी आओ। बजाओ रे। क्या बात है अंकल, इस तरह क्यों बैठे हो? अभी आप ही बताइए कि मैं अच्छा हूँ या आपका बेटा अच्छा है। बचपन से जवानी तक अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, उस बेटे की खातिर रोड पर आना पड़ा ना। लेकिन मुझे देखिए, मेरे लिए मेरे बाप ने उधारी नहीं की, घर भी गिरवी नहीं रखा, और ना ही आपकी तरह रोड पर आए। अभी तो मान लीजिए कि आपके बेटे रवि से ज्यादा ये गणेश ही अच्छा है। बजाओ रे। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों बैठे हो? आप तो जब भी देखो उसे देखकर सीखो, उसे देखकर सीखो यही गुनगाते थे। अगर मैं उसके नक्शे कदम पे चलता तो आपको भी उनकी तरह रोड पे आना पड़ता। अच्छा है आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ पिताजी, क्या कहते हो? हाथ हटा अपना। तुम चाहे कितने भी बदमाश हो लेकिन अगर एक दिन दिखाई नहीं देते तो मैं बेचैन हो उठता हूँ। वैसे ही अगर किसी का बेटा 6 महीने से गायब हो, उसका कोई अता पता ना हो कि वो जिंदा है या मर गया, तो उस पर क्या बीतेगी?
किसी के दुख दर्द में उसे दिलासा नहीं दे पाओ तो उसकी हंसी मत उड़ा। दूसरों के दुख पर तमाशा देखने वाले तुम जैसे बेटे को अपना बेटा कहने पर आज मुझे शर्म आ रही है। छी, अब तो इंसान बन जा। सारे लोग जब तेरे खिलाफ बोलते थे तो मुझे लगा कि वो तुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैंने ही तुझे समझने में गलती की। आज दोनों मेरी क्लास ले रहे हो, आप चाहते क्या हो कि मैं जाकर उनसे माफी मांगूं? अगर तुझमें इतनी ही समझ होती तो मेरा जन्म धन्य हो गया होता। बस हो गया, ठीक है ना, गुड नाइट। लक्ष्मी, लक्ष्मी चलो चलो चलते हैं, चलो। इस वक्त कहाँ जाना है? और कहाँ, अपने बेटे रवि के पास। रवि के पास? हाँ। रवि के पास? वो कहाँ है पता चला? हाँ चल गया, मुझे जल्दी से उसे देखना है। चलो चलो, मुझे भी देखना है। चलो अरे तुम ऐसे ही चलोगी, तैयार नहीं होगी क्या? वैसे भी बाहर जाने से पहले तुम भगवान के पैर पड़ती। मैं तो भूल ही गई थी। लगता है मिल गया, अब सॉरी किस लिए, फालतू में टाइम वेस्ट। सुनिए जी, अभी तक रेडी नहीं हुए? एक ही झटके में पी लेंगे तो 10 मिनट में उसके पास होंगे। मतलब ये क्या है जी, कहीं हमारा बेटा रवि? उसके जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ, पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ, पेपर में डाल चुका हूँ, ना जाने कितनी लाशों को देख चुका हूँ। कर्जदारों के ताने सहे जा सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दुनिया में नहीं है, ये सोच मुझे जीने नहीं देती। आज के जमाने में भी बेटे का पता ना चलना मतलब उसके वापस आने की संभावना नहीं है। शायद वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में मेरा बेटा। पिया, 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 हेलो हेलो पापा, पापा मैं रवि बोल रहा हूँ पापा। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ पापा। हेलो रवि, पापा रवि, रवि बोल रहा हूँ। हेलो पापा, रवि, 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 कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना बेटा? पापा मैं ठीक हूँ पापा। पापा आप कैसे हैं? माँ कैसी है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ की तबीयत कैसी है? बकवास बंद कर, कुछ देर और कर देता फोन करने में, ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। क्या हुआ, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, तुमने हमें बचा लिया, हम वापस जिंदा हो गए, वापस जिंदा हो गए बेटा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पापा, लगता है वापस ही उठा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ बेटा। है कोई वहाँ पे? मेरा बेटा जिंदा है। सुनो दुनिया वालों, खास कर इस मोहल्ले वालों सुन लो, मेरे बेटे को गलत समझने वालों ध्यान से सुन लो, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। मुझे अपने बेटे पे फख्र है। है गणेश, एक बार फिर कहता हूं, मेरे बेटे जैसा होने के लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। जा रहे हैं। रिवेंज, लगता है कल रात इसने सॉरी नहीं कहा, उसी का बदला लिया है।
वैसे भी इसने आज तक हमारी कौन सी बात सुनी है? जाने दो बेटा, रवि तो सही सलामत है ना, बस हमें और क्या चाहिए। हाँ? मुझे रवि का पता लगाना ही होगा, इसलिए उस दिन से रवि को जिंदा रखकर हर दिन मैं ही रवि की तरह उनसे बात कर रहा हूँ। जितने भी बार मैंने उनसे बात की उतनी बार लगा कि काश मैं रवि होता तो कितना अच्छा होता। एक बात तो मेरी समझ में आ गई, जितना प्यार उनको अपने बेटे रवि से है उसके मुकाबले रवि से मेरी नफरत बहुत ही छोटी सी है। रवि के माँ बाप को जिंदा रहने के लिए और उन्हें खुश रहने के लिए उन्हें रवि की सख्त जरूरत है, इसलिए उसी को ढूंढने के लिए मैं गांव से यहाँ तक आया हूँ। उस दिन से ही मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। क्या बात है भाई, आज तक लोगों को दोस्तों और रिश्तेदारों की ही कदर करते हुए देखा है लेकिन तुम तो उसे बचाने आए हो जिससे तुम नफरत करते हो। तू ग्रेट है यार, लेकिन एक बात बता, इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? पहले हॉस्पिटल चलकर इंक्वायरी करते हैं। पेशेंट का नाम? रवि कुमार, रवि कुमार शर्मा। ओके। सॉरी सर, इस नाम का यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। सॉरी सर, फुटेज नहीं है। सीसीटीवी में फुटेज नहीं है, रजिस्टर में नाम नहीं है, ये सारी बातें मैनेजमेंट को पता है क्या? देखिए बॉस, अब तक मैंने आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद की है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी नौकरी का सवाल। ओके, थैंक्स भाई, इट्स ऑल राइट। चल यार। इतनी जल्दी ठीक होने का कारण क्या है? सनी लियोनी। इतने ऊपर से गिरने का कारण क्या है? सनी लियोनी। सनी लियोनी। सो हमारे होटल को सील करने साइन कर दीजिए। तुम दोनों भाइयों को एक काम सौंपा था, तुम्हारा भाई नहीं कर पाया और मर गया, अब तक मेरा काम नहीं हुआ। हाँ? आखिर क्या कर रहे हो तुम सब? अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो तुम सबको काट के रख दूंगा। क्या हो गया भाई? जाके बोलो ढूंढ रहे उसे। ठीक है भाई। हाँ। ये यहाँ गुंडों के साथ क्यों आया है? कहाँ है वो? रहता किधर है? वो तो इसी एरिया में रहता है भाई। अब जानता हूँ कौन हूँ मैं? मेरे सामने जबान लगता दूंगा मैं, 32-12 जाएगी तेरी। ओए शालीमार गार्डन का शंकर पहलवान बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुम लोग लड़की पसंद करके शादी करते, मना किया तो सीधे ऐसी फेंके थोबड़ा भी करते हैं, समझ लो। तुम लोग सुन लो, ध्यान से समझे के शंकर पहलवान बोल रहा हूँ मैं, अच्छों के लिए चाहे बुरों के लिए बुरा हूँ। अपने लोग इधर आते हैं एंटरटेन के वास्ते, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का, समझे? वरना शंकर पहलवान का भूल घूम गया तो पूरा बस्ती में आग लगाने लगा, समझे क्या? लगता है वो हमें ही बुला रहा है। उसके आदमियों को मारा था, वो तुझे ढूंढ रहा है यार। क्या कर रहा है तू? अबे उससे पंगा मत ले। मारा गया ना तो टुकड़े-टुकड़े करके बिरयानी बना के खाऊंगा। इधर देख बैठ। ओए अरे तो क्या कर रहा है, जाके ढूंढना उसको, जाना। पागल क्यों हो रहा है? पागल क्यों हो रहा है तू? अरे लगता है मार लगने की वजह से इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। अरे तुम लोग खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अरे इसकी मैं बताती हूँ, वैसा करो, अपने हाथों से इसके हाथ पकड़ो। क्या, क्या मतलब? समझ में नहीं आता क्या? पागल, इसके दोनों हाथों को जकड़ो। हाँ हाँ सही कर। अरे तुम्हें दिखता नहीं है मुझसे कितना लंबा है? कैसी बड़ी दिखी लड़की हो तुम लोग, अभी भी 80s में जी रही हो जबकि 2016 चल रहा है। लगता है तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं रह गया। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इसे बचा सकती हो तो बचा लो, अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखना तुम लोग इसकी मौत की जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। पर हमने क्या किया? अरे जल्दी करो, लगता है इसकी जान निकलने वाली है। अरे जल्दी करो। मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूँ? क्या करना होगा? इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लो। आपने बहन जी, आप आइए यहाँ पे ऐसे लग जाइए। अरे क्या कर रही हैं? मिर्गी के बीमार और इलाज करने वाले को अकेले छोड़ देना चाहिए। चलिए हम चलते हैं। अरे वो ध्यान से देखना, कहीं भागने ना पाए। अबे उधर देख रहा है गली में, प्यार इसको बोलते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, कितना शांति से कर रहे तेरी तो। मैडम, अब मैडम आप दोनों का प्यार देख के मुझे अच्छा लग रहा है। अबे यार क्या तमाशा लगा जो खड़े करते हैं, चल 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 ढूंढो उसको, चल चल।
अरे गणेश, ठंडी तो इतनी ज्यादा है नहीं, फिर कांप क्यों रहे? और तुम्हारी बॉडी से इतना धुआं क्यों निकल रहा है जैसे भट्टी जल रही हो? सुबह सुबह इन बुरके वालियों के घर पे चौकीदारी क्यों कर रहा है? एक बार उसे फिर से गले ना लगा लूं तब तक लगता है मेरी गर्मी कम नहीं होगी। एक बार फिर लगाएगा गले, इस बार तो बेटा तुझे छोड़ेगी नहीं वो। अरे अरे अरे, अभी मैंने उससे बोला कि अंदर बच्चा, मेरे भाई माना ही नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं? मैं हूँ अब, मैं डरा दिया था यार। कैसा आदमी है तू भाई, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, अंदर मत जा, बहुत खतरा है यार। ए, ए, सुन ए भाई, ठीक है जा, कीमा बन के आएगा अंदर से। या अल्लाह मुझे बचा ले, उसे नहीं। मैं तो रोमांस करने आया हूँ, यहाँ तो एक्शन चल रहा है। डरो मत, अंदर जाओ। रुको, कौन हो तुम? फातिमा का दोस्त। बुर्का निकालो, बुर्का निकालो। अगर इसे सच पता चल गया तो क्या? बुर्का निकालो। ठीक है जाओ। हाँ, दिखाई नहीं देता फिर भी डरा दिए ये बुढ़िया। प्रसाद है? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी गरम गरम कीमा आएगा, उसे बैठकर यहीं खाएंगे, समझा? अबे यहाँ कीमा कहाँ से मिलेगा? अपना हीरो बुर्का पहनकर हीरोइन से मिलने गया है, और अंदर वाले उसे कीमा बनाकर ही बाहर भेजने वाले हैं, समझे? तू बकवास बंद कर, मैं चला उसे बचाने। आया, तेरा भी वही होगा। या अल्लाह, बस मुझे। अबे तूने भी वही नाटक शुरू कर दिया, बुर्का पहनकर अंदर घुसने का जुगाड़ कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग ये बुर्के वालियों के पीछे क्यों पड़े हो। तूने मुझे छुआ? अल्लाह कसम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तू मेरा बुर्का उठाने की कोशिश कर रहा था? क्या फालतू में फंस गया इन सबों के चक्कर में? सायरा, एक बार और आओ ना। ए सायरा, रुको, कौन हो तुम? मैं मीरा की दोस्त हूँ माझी। बुर्का निकालो, बुर्का निकालो, बुर्का निकालो। क्या नाम है तुम्हारा? लगता है पहचाना नहीं। सायरा माझी। जोर से बोलो। सायरा माझी। और जोर से बोलो। सायरा, 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 सायरा आ गई। पता नहीं ये कहाँ मर गया। अरे गणेश कहाँ है यार? मिल जा यार, वरना हम दोनों का कीमा बन जाएगा। जल्दी आने मेरे भाई। हे अल्लाह, सायरा, मुझे ही ढूंढ रही हो ना? कल जो गलती हमसे हुई थी वही करनी है ना? तुम्हें कल की गलती बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मुंडी हिला रही हो ना? मेरे घर में हम दोनों के सिवा आज कोई नहीं है, आ जाओ। या अल्लाह मुझे बचाओ, या अल्लाह। आओ ना, आओ ना, मत जाओ, मत जाओ, आओ, आओ, आओ। अरे तुझे देखा तो क्या नबी शर्मा जाए? देखो देखो, देख के लग रहा है जैसे इसके अंदर अंगारा चल रहा है। सारे मैं जल जाऊंगी, रे कल मुझे। कहाँ से आ गया? अगर बाहर निकला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पीछा घूमा तो ये सांड खड़ा है। लगता है कोई आ रहा है। चल बे, हट, निकल। सायरा, कोई नहीं है।
अब बंद भी करो अपना रोमांस, यहाँ और देर रुके तो हम बाहर किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। जल्दी भाग। अरे आजा यार, चलना मेरे भाई। बेरोजगार नौजवानों को बेवकूफ बनाया, नौकरी का झांसा देकर हो चुके हैं फरार। सुनने में आया है लोगों से बहुत सारे पैसे लिए थे। Come on, hug me. हग ही चाहिए? टच काफी नहीं? No, 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 no. लेडीज को हग करना ही चाहिए। Come on. इतने सारे नंबर्स, ये माजरा क्या है? तुम्हारी सोशल साइट तो बड़ी लंबी चौड़ी है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? सीधा एमएलए बनोगी? पेपर? इस टाइम पर पेपर? शहर में 3 नौजवानों ने आत्महत्या की। पता चला है कि ये नौजवान नौकरी के सिलसिले में पैसे डालकर बेवकूफ बन गए, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। ए गूगल, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे एक और जन्म क्यों ना लेना पड़े। हम भूत बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें इसी तरह डराते रहेंगे। डराते रहेंगे? ये डरना क्या होता है? इसी को डर कहते हैं। तुमने तो सच में मुझे डरा दिया। भूत कभी मजाक नहीं करते, हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप रे। कॉस्मिक एनर्जी लेता हूँ, लगता है मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। ये क्या है भाई, तुम सब जिंदा हो? जी हाँ। तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? चलो हमें वहाँ ले चलो। जाना ही पड़ेगा। यस। चलो चलो ना। वहाँ कंपनी को डुबा कर यहाँ लड़कियों के साथ तुम मजे से डांस कर रहे हो? राजा, हमने कंपनी खोली थी डुबोने के लिए, तो फिर टेंशन किस बात की? कंपनी खोली थी डुबाने के लिए? लेकिन जिन्होंने हमें पैसे दिए उनका क्या होगा? होगा क्या, अगर हम लोग कहीं दिख गए तो हमें मारेंगे, और अगर नहीं दिखे तो मनीमन गालियाँ देंगे। ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने पे कहेंगे जिसे पाप किया है फल वही भुगतेगा, ये कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, और फिर होगा क्या, खेल खत्म, पैसा हजम। तो मस्त रहो। कम से कम इन तीनों के पैसे तो वापस कर दो। पिघलती हुई आइसक्रीम और ढलती हुई उम्र और पोसानी के पास आने वाला पैसा कभी वापस नहीं होता। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इधर आ जा। क्या? चल अब बता, केयर में चाहिए, अपोलो में चाहिए या यशोदा में चाहिए? अरे ये केयर अपोलो या यशोदा में भेजने लायक है क्या? इसे सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। याद रखना, तेरा थोपड़ा बिगाड़ के रख देंगे हम लोग, समझा? समझ गया राजा, तुम सबको कैश ही चाहिए ना? कैश नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? किसे मार रहे हो तुम? यहाँ भी आके झगड़ा शुरू कर दिया? तुम कभी नहीं सुधरोगे। ए बलराम। हाँ बोलिए। जग रहे हो या सो गए? तुम्हारा बेटा यहाँ शहर में गुंडा कर दिया, इज्जत नीलाम करके रख दिया तुम्हारी। एक काम करो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है ऐसा पेपर में निकलवा दो, नहीं तो उसके लफड़े के चक्कर में कहीं तुम्हें ना जेल जाना पड़े।
अभी कहाँ बेटा? पापा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हर बार ऐसे ही कहते हो, कम से कम इस बार जल्दी आ जाओ अपनी माँ के लिए। मैं जल्दी आ जाऊँगा पापा। तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ शहर में आए हैं। अरे वो रास्ते में गणेश मिला था, वो किसी से झगड़ा कर रहा था। उसको तो आप जानते ही ना पापा, वो बचपन से ही ऐसा है। अच्छा चलो छोड़ो उसे, देखो अगर वो तुम्हें मिले तो उसे उसे बिल्कुल दोस्ती मत करना। ठीक है पापा, मैं गणेश से दोस्ती नहीं करूँगा, ठीक है ना? अगर तूने दोबारा मेरी बेटी का पीछा करने की कोशिश की तो तू अपने आप को खत्म समझ। ए, छोड़ दे इसे। अकल ठिकाने है इसलिए तो तुमसे प्यार किया। वैसे मैंने तुमसे कभी पूछा हा? पूछा क्या बताओ? लाखों की बात की या करोड़ों की डिमांड की, सिर्फ प्यार ही तो करने के लिए बोला ना। बकवास बंद करो, कभी मेरी फीलिंग्स जानने की कोशिश की है तुमने? आवारों की तरह मेरा पीछा कर रहे हो। मैं कौन हूँ, किस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे बारे में क्या जानते हो तुम? अरे हर एक के जीवन में समस्या तो होती ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना खाना पीना छोड़कर बैठ जाएं। उसी तरह अपना प्यार भी तो नहीं छोड़ सकते ना डार्लिंग। तेरी किया, अब इसे मैं कैसे समझाऊं? अरे एक बार आई लव यू कह दो ना, जिंदगी भर साथ देता रहूंगा। बोलो ना, अभी भी मान नहीं रही है और मुझे रोना आ रहा है। अरे माँ देखो ना, ये मुझसे प्यार नहीं कर रही है। Good.
लड़की को हम दोनों के प्रॉब्लम के बीच में मत घसीट, सीधे सीधे छोड़ दे उसे, तब मैं तुझे माफ कर दूंगा। छोड़ उसे। नहीं छोड़ा तो क्या करेगा? ए, पकड़ इसको, पकड़ इसको, छोड़ दे, पकड़ इसको जल्दी, जल्दी आओ, चल जल्दी। उसके पीछे अरे ब्रेनलेस फेलो, वो हमारे आदमी को टोपी पहना रहा है, जरा देख के मारो यार, कॉन्सेंट्रेट करो। अरे 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 हम किसको मार रहे हैं देख तो ले। सब ठीक है, सब लोग यही है ना? थैंक गॉड। राजा, अगर हमें इस मुसीबत से बचना है तो हमें इमीडिएटली एक यज्ञ करना होगा। क्या हुआ? हुआ क्या? जिस आदमी को हम लोगों ने मारा था, उसे एक और आदमी ढूंढ रहा है। ओह, पर वो कौन है? मुझे नहीं पता। तुम में से किसी ने उसको नहीं देखा? देखा। किसने देखा? पता नहीं। अब तो बता दो रवि कहाँ है। बाइक रोको। क्यों रोकते हो या कूद जाऊं? ए, 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 मेंटल, रुक जाओ। रुको तो सही। एंड लीव मी अलोन। रवि कहाँ है? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। रुको, मैं जानता हूं कि तुम रवि को जानती हो। सर, सेकंड कैमरा जरा जूम कीजिए। प्लीज बता दो ना, मुझे उसे बचाना है। उसे मारने आए हो या बचाने आए हो तुम? किसे पता? अरे एक मिनट रुको, सुनो तो। अगर मारना होता ना तो बचपन में ही उसे मार दिया होता। रवि को मैं बचपन से जानता हूँ, वो हमारा पड़ोसी है। कम से कम अब तो बता दो कि रवि को क्या हुआ है। मेरा नाम शालिनी है, मेरे पैदा होते ही माँ चल बसी। पापा का नाम सत्य प्रसाद, अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन में हेड के रूप में काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए मुझे लेकर इंडिया आए।
यहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स की समस्याएं इतनी थी कि वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया है कोई और उसे फेस करे, इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में हर रोज लिटरेसी बढ़ रही है सोच के हम बहुत खुश होते हैं, पर सिर्फ लिटरेसी बढ़ने से देश की भलाई नहीं होती, इसके साथ ही बढ़नी चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यह आप सबका हक है, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? कंप्यूटर स्टूडेंट को नौकरी मिलती है डेटा ऑपरेटर की, MBA स्टूडेंट नौकरी कर रहा है टेलीफोन ऑपरेटर की, और एक लॉ का स्टूडेंट कोर्ट में आज मीडिएटर का काम कर रहा है। जिसके पास कोई योग्यता नहीं है वो बड़े पोस्ट पर बैठे। आई वॉज सैड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज एंग्री। इस सिस्टम को बदलने के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक विद्यालय का निर्माण किया, जिसके द्वारा मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ। आप सब यहाँ जो भी पढ़ाई करें उसे ध्यान में रखकर इस दुनिया में आप सबको नौकरी दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस। ऑल द बेस्ट। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर। ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए पेरेंट्स की तरह है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कितने पैसे बनाएंगे ये तो नहीं पता, पर इस पढ़ाई को बिजनेस बनाकर हम बहुत पैसे कमाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। रवि, रवि सर, क्या बात है? सर आपने हमें नौकरी तो दे दी पर आपके दोस्त हमसे पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें 5 लाख दिए हैं लेकिन उनको और चाहिए। मेरे पापा ने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और, जिन पर भरोसा था उन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया। और ये सब मेरे नाम कर। ये संस्था बेरोजगार लोगों की आशा है जिसे मैं तुझ जैसे कमीने को नहीं दूंगा, देना होगा। अगर महान बनने का इतना ही शौक है तो अनाथ आश्रम बनाओ, बेसहारा अनाथ बच्चों को कम से कम बाप मिलेगा, नहीं तो ओल्ड एज होम बना। तुम बाप बनो बेटा बनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये सारी जायदाद चाहिए। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मैं साइन नहीं करूंगा। डैडी, शालिनी, डैडी, बीजू, साइन करते हो या इसको मार दूं? Leave my girl. Sign. I'll sign. Leave her. Go. But Daddy. Go. Shalini, go. Run away from here. Please listen to me. Get out. क्या चल रहा था? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीजू, इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन, पावर ऑफ अटॉर्नी, कौन है पता है तुझे? शालिनी। Daddy!
तभी मैंने रवि को मौत से लड़ते देखा और उसके ऊपर मैंने पुलिस केस कर दिया। बाद में पता चला कि पुलिस और वो दोनों मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। शालिनी, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? किसे देखा है? और मैं तब से इसी इंतजार में हूँ कि कोई ना कोई रवि को ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो तो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो यहाँ रवि को बचाने आए हो। मैं यहाँ रवि के लिए आया हूँ, ये जितना सच है उतना ही सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राजा, इस जफा को सब कुछ पता है, उस गणेश से इसी ने मुझे मिलवाया था। कौन है ये बंदर? कितनी बार पूछोगे मैं कौन हूँ? परेशान कर दिया तुम लोगों ने। मैंने बताया ना तुम्हें, मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, एलियन हूँ मैं। अरे मर गया राजा। यहाँ कॉमेडी शो चल रहा है, मुझे शालिनी चाहिए। वो गणेश के पास है। वो गणेश कहाँ है? वो गणेश कहाँ है ये इस राजा को पता है, तभी तो इसे उठा कर लाए हैं। जाओ, जाकर उस शालिनी और गणेश को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। वो कौन है? राजा, उसको रवि चाहिए और वो भी जिंदा। अगर शालिनी यहाँ आ जाती है तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कुछ तो मदद करो राजा। Come here. Internal diagnosis. X-ray is coming and now MRI is also coming. क्या कर रहा है? X-ray. कितना शातिर आदमी है तू, दिमाग में सिर्फ खुराफाती है। कोई से यहाँ से लेकर जाओ। आगे मत आना। तुम लोग मुझे क्या मारोगे? तुम्हारे हाथ उठाने से पहले वो गणेश तुम्हारा बाजा बजा देगा। अरे वो आगे ही आ गया। इसने सही कहा था, तुम यहाँ जरूर आओगे। शालिनी कहाँ है? जाओ शालिनी को यहाँ लेकर आओ, वरना इसे तुम्हारे सामने ही जान से मार दूंगा। वो मेरे आने से पहले ही कर देना चाहिए था, अब थोड़ा मुश्किल है। शरीर में ढंग की हड्डियाँ भी नहीं है, आखिर क्या सोचकर यहाँ आए? मारने के लिए तो अंदर दम होना चाहिए, हड्डियों की कोई जरूरत नहीं होती। ए, मैं बेसिक 3 रूल्स को फॉलो करता हूँ। अगर सामने वाला बिकाऊ है तो खरीद लो, अगर वो डरता है तो डराओ, और अगर ये दो काम ना आए तो मार दो। बोल, तेरी क्या चॉइस है? लगता है डायलॉग से ही पका देगा। अरे चॉइस की बात छोड़ दो, मुझे खरीदने के लिए तेरे पैसे, डराने के लिए तेरे आदमी और मारने के लिए तेरा सामान बहुत कम पड़ेगा। मेरे हाथों मरने के अलावा तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है तेरे अंदर चर्बी बहुत है, चल इसे बचा कर दिखा। Hey!
तो खोज रहा था मैं। चलते वेंकटेश, क्या हुआ वेंकटेश? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक है जीजा जी, अभी अच्छा हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए। ये असल है या ब्याज? इसे किस खाते में एडजस्ट करूँ भाई साहब? ना असल है ना ब्याज, बस इसलिए दे रहा हूँ कि आपके काम आ जाएंगे। बेटे को बताया तो उसने भिजवा दिया 50,000। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपका अपमान किया, उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा। देखो वेंकटेश, जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवाती है, अब वो अच्छा हो या बुरा हो ये सोचने का वक्त कहाँ रहता है। अब मेरे बेटे ने भेजा तभी तो आपको दे पाया ना। चलो तुम्हारा बेटा अच्छे से कमाने लगा, तुम्हारी इज्जत तो बच गई, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन है आप लोग? ये हमारा बेटा रवि है। ये पिछले 6 महीने से कोमा में है, सही समय पे गणेश ने इसे एडमिट कर दिया, लेकिन अभी ये पहले से काफी बेहतर है। क्या बात कर रहे हैं आप, ये मेरा बेटा है, रोज मैं इससे फोन पे बात करता हूँ, आप देखिए। हेलो रवि, रवि कहाँ बेटा? पापा मैं ऑफिस में हूँ पापा, मुझे तुमसे मिलना है, एड्रेस बता मैं आ जाता हूँ। ऐसी कौन सी बात है पापा? मैं मिलना चाहता हूँ, तुझे कोई दिक्कत है क्या? बात वो नहीं है पापा, ऑफिस में आज बहुत काम है, मैं कल मिलूंगा आपसे। देखो बेटा तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मिल लेना। ऐसी बात नहीं है पापा, 2 मिनट की क्या बात करते हो, मैं 1 महीना छुट्टी लूंगा और आपसे मिलने आऊंगा। तू जल्दी से जल्दी आ जाना बेटा। जरूर आ जाऊंगा पापा।
मैं तुझसे कहना भूल गया कि वो गणेश इसी सिटी में घूम रहा है। तुम किसी भी कीमत पे उसे दोस्ती मत करना बेटा। हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा। आप दोस्ती तो सिर्फ तुझ जैसों से करनी चाहिए। चाचा जी मेरा बेटा ही अच्छा है, मैं तुझे हमेशा गलत समझता था, मुझे माफ कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, तुम यहां से सोचते हो और हम यहां से, बस यही अंतर है हमें। चाचा जी सीटी बजाना सिखाओगे? चलो इस पागल को पागल खाने ले जाते हैं, ढूंढ कर हम परेशान हो गए। हाँ चलो चलो। मतलब पागल खाने ले जाओगे? ले चलो मजा आएगा, ले चलो। बाप रे बाप, चलो काम तो मिला। एक सेल्फी निकाल कर shaadi.com पे भेज देता हूँ। स्माइल, तू भी आ गई? स्माइल, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी हूँ रेडी। अरे मैं भी हूँ। सभी आएंगे तो क्या होगा, ग्रुप फोटो हो जाएगी। चलो।